हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक और नए और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टाइटल पढ़कर आप समझ ही चुके हैं कि आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं लेटर हेड को प्रिपेयर कैसे करेंगे एमएस वर्ड में। और ये जो लेटर हेड मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, ये आप किसी भी लिमिटेड कंपनी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंसिडर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद, आपके कंप्यूटर का ट्यूटर, और आप देख रहे हैं कॉम्प्यूटर। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल की वीडियोस देख रहे हैं और इसी तरह के और भी नॉलेज से फुल इंटरेस्टिंग वीडियोस पाना चाहते हैं, तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, जिससे मिलेंगे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले एकदम फ्री में आपको। तो मैं बता रहा था लेटर हेड को एमएस वर्ड में कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों, जो मैं आज लेटर हेड बताने वाला हूं, वो एक तरह से एक देखने में एक एडवांस लेवल का लेटर हेड है, बट जब उसको बनाएंगे, आप बनाना सीख जाएंगे, आप भी कहेंगे ये तो बहुत ही बेसिक सा तरीका है बनाने का। लेकिन जो देखने वाले हैं, जिसको आप लेटर हेड अपना रेडी करके दोगे, वो उसको देख कर कहेंगे कि बहुत ही एडवांस लेवल का है। तो इसलिए पूरे जो स्टेप्स हैं, बिल्कुल स्किप किए बिना पूरे वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। एक भी स्टेप अगर आप स्किप करते हैं, समझ में नहीं आएगा, फिर आप वीडियो को डिसलाइक करोगे। इसलिए प्लीज बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सारे स्टेप समझ में आएंगे। तो चलिए, आगे की वीडियो के लिए हमें चलना होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, आगे के वीडियो के लिए हमने अपना वर्ड ओपन कर लिया है। सबसे पहले अब हम जाएंगे यहाँ लेआउट में, और लेआउट में आकर हमें पेज सेटअप करना है। तो लेआउट में आएंगे और यहाँ पे जो साइज़ है इसका, वो हमें करना है A4, क्योंकि इसका बाय डिफ़ॉल्ट लेटर रहता है। और मार्जिन को करना है नैरो, यानी जितना कम मार्जिन हो सके उतना मार्जिन हमें डालना है। लेआउट के बाद हम वापस आएंगे यहाँ इंसर्ट वाले टैब में, और यहाँ पे सबसे टॉप पे ऑप्शन होता है शेप्स का। शेप में जाके हमें यहाँ से शेप चूज़ करनी है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अभी जो है मैं सिंपल सा लेटर हेड बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं सिंपल सी शेप लूँगा। जैसे यहाँ फ्लो चार्ट में आप देखेंगे बहुत सारी शेप्स हैं, तो मैं यहाँ से ये सेकंड लास्ट वाली जो है मैनुअल इनपुट वाली शेप ले रहा हूँ, और एक शेप को यहाँ ऐसे क्रिएट कर देता हूँ इस तरीके से। थोड़ी ये डायगनल है, इसलिए मेरे को थोड़ी ये शेप पसंद भी है। ठीक है, ये शेप ऐसे क्रिएट कर दी, और इस शेप को यहाँ से सर्कल वाले से हम ऐसे घुमा देंगे, और शिफ्ट अगर दबा के रखेंगे तो एकदम सीधी शेप होगी। फिर इसको हम ऐसे ऊपर यहाँ पे सेट कर देंगे। अब मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर दिया है। अब हम आते हैं फॉर्मेट में, और शेप आउटलाइन में हम यहाँ डालेंगे नो आउटलाइन, और शेप फिल में हम एक कलर चूज करेंगे जो हमें इसका कलर देना है। तो देखिए, मैं यहाँ से कलर ले लेता हूँ, ये मैरून कलर ये लिया। और अब इस शेप को राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है, और फिर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। पेस्ट हो गई, और अब इस शेप को हमने ऐसे सेलेक्ट किया, दूसरी वाली शेप है ये। इस शेप का कलर हम डालेंगे यहाँ से वाइट, और इस शेप पर राइट क्लिक करके इसको हम सेंड बैक कर देंगे। ठीक है, तो ये शेप है, यहाँ पर एडजस्ट हो गई है। अब इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करके, हमें बस यहाँ नीचे गैप देखना है कितना गैप है, इसको एडजस्ट किया। अब हम दोबारा से इस शेप पर ही क्लिक करेंगे, ये तो पहली शेप है, उसके नीचे हमें दूसरी शेप पर क्लिक करना है, ये देखिए दूसरी शेप है। और इस शेप को भी वापस से हम पेस्ट कर देंगे, पेस्ट हो गई। और इसको थोड़ा नीचे करके इसको भी हम सेंड बैक कर देंगे, ये लीजिए। तो जो नीचे वाली शेप है, अब हमें इसे एडजस्ट करना है, इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट कर दिया। इस तरह से ये जो हमारा एक लेटर हेड का डिज़ाइन बन गया है। अब हम इसमें ऊपर अपना कंपनी नेम या फिर अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम वगैरह हेडिंग देंगे। सबसे पहले वापस से हम जाएंगे इंसर्ट शेप्स, और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन होता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स चूज करके यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ऐसे बना देना है। ठीक है, और इस टेक्स्ट बॉक्स में आपको अपनी कंपनी का नाम देना है, जो भी नाम आप लेटर हेड में प्रिंट कराना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी से नाम डाल देता हूँ। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाके इसकी फॉन्ट को जो है 36 करना है हमें, 36 कर दिया। उसके अकॉर्डिंग इसे देख लेंगे, और जो इसकी फॉन्ट है वो फॉन्ट हमें चेंज करनी है। ये फॉन्ट सिंपल सी है, ये हमें नहीं रखनी है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करके फॉन्ट को भी हम चेंज कर देते हैं, ये फॉन्ट थोड़ी अच्छी लग रही है।
तो ये फॉन्ट हमने चेंज कर दी। अब फॉर्मेट में आके शेप आउटलाइन से हमें नो आउटलाइन देनी है और शेप फिल से नो फिल देना है। तो देखिए वो जो है नो फिल हो जाएगा। और अब इस फॉन्ट का जो कलर है अभी ब्लैक है, इसको हम होम से जाकर यहाँ से चेंज कर देंगे वाइट कलर में। और अब इसको सेंटर में हमें थोड़ा सा कर देना है इस तरह से, ताकि वो सेंटर में दिखे, एडजस्ट करना है। तो इस तरह से इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देना है। हम वापस से जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पर वापस से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। देखिए टेक्स्ट बॉक्स का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर भी आता है इंसर्ट में। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ से चूज करने के बाद इसके नीचे वापस से एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे। ध्यान ये रखना है जो आपने कंपनी का नाम लिया है ना, उतना ही बड़ा आपका टेक्स्ट बॉक्स हो। देखिए मैंने उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। और अब हम इसके नीचे डालेंगे एड्रेस। तो मैं आप जल्दी से एड्रेस डाल देता हूँ। ये एड्रेस डाल दिया, इसको सेलेक्ट किया, होम में गए और यहाँ से इसका फॉन्ट साइज हम बड़ा कर देंगे, इसको बोल्ड भी कर देंगे और इसको सेंटर का अलाइनमेंट दे देंगे। तो देखिए ये हमारे जो टेक्स्ट है उसके सेंटर में आ जाएगा। और जो अब इसकी फॉन्ट है वो हम यहाँ से चेंज कर देंगे, ये बेल गोथिक। और फॉर्मेट में जाके इसका भी शेप जो है नो, और यहाँ से नो फिल, और फॉन्ट का जो कलर है वो हम वाइट दे देंगे। ठीक है, इसको अंडरलाइन करना चाहते हो तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, उसके नीचे मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। वापस से वही इंसर्ट में जाके आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, इसके नीचे फिर से टेक्स्ट बॉक्स बनाइए ऐसे, और जो आपकी बाकी की डिटेल है वो आप डाल दीजिए, जैसे GST डिटेल होती है। ठीक है, GST डिटेल में अभी रैंडमली कुछ भी लिख दे रहा हूँ, बाकी आपका जो GST नंबर हो वो आप डाल दीजिएगा इसमें। और फिर टैब 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 करके हम आएंगे साइड में और यहाँ डालेंगे मोबाइल नंबर, और इन दोनों को सेलेक्ट करके इनको भी सेम चीज करेंगे जो हमने ऊपर एड्रेस के साथ की है, नो आउटलाइन, नो फिल, होम में जाके जो टेक्स्ट है वो वाइट कर देना है, टेक्स्ट को बड़ा कर देना है। तो इसकी जो फॉन्ट है वो भी हमें एड्रेस की तरह सेम रखनी है, ताकि फॉन्ट ज़्यादा डिफरेंट ना लगे। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ जो साइड में जो जगह बची हुई है उसमें हम अपना लोगो इंसर्ट कर देंगे। तो हम जाते हैं यहाँ इंसर्ट में, पिक्चर और दिस डिवाइस, और यहाँ से हम लोगो इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, आपका जहाँ भी लोगो सेव हो वहाँ से लोगो पिक कर लेना है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। देखिए ये रहा मेरा लोगो। लोगो पे राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट में जाके हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे और इसको कॉर्नर से जो है रिसाइज कर लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से देखिए साइड में जो है हमारी थोड़ी सी जो जगह बची है उसमें हम बाकी की डिटेल डालेंगे। जाएंगे इंसर्ट, फिर से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों अब आप पे डिफरेंट करता है, हमें यहाँ पे रेफरेंस नंबर और डेट को इंसर्ट करना है। तो आप यहाँ पर भी रेफरेंस नंबर इस तरह दे सकते हैं और यहाँ कॉर्नर में लास्ट में डेट दे सकते हैं, बट मैं दोनों को एक साथ रखना चाहता हूँ तो इसलिए मैं इसको छोटा कर दूंगा और इसको कॉर्नर पे लगा दूंगा। तो रेफरेंस नंबर यहाँ हो जाएगा और इसके नीचे मैं डेट को डालूंगा। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर वही सेम करना है हमें, नो आउटलाइन और नो फिल, फिल हो गया। और इस पूरे बॉक्स को सेलेक्ट करके बोल्ड कर देना है ताकि वो थोड़ा हाईलाइट हो जाए। इतना हो गया। अब जो हमारा जो टॉप का पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है, ये देखिए। अब हमें नीचे आना है और यहाँ पर अपना वाटर मार्क एक देना है। तो देखिए वाटर मार्क देने के लिए हमें जाना है डिज़ाइन में, और यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन मिलेगा आपको वाटर मार्क का। वाटर मार्क पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको मिलेगा कस्टम वाटर मार्क, इसको चूज कर लेना है। और यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन है पिक्चर, उसके बाद सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। वर्क ऑफलाइन है, ऑफलाइन पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमें पिक्चर चूज करने का ऑप्शन मिल गया है। तो जो भी आपका लोगो हो या वाटरमार्क आप देना चाहते हो उसको ऐसे सेलेक्ट करके इंसर्ट करना है, और उसके बाद स्केल पूछेगा। तो अभी मैं ऑटोमेटिक कर रहा हूँ ऑटो, बाकी अगर आपका पिक्चर छोटा है तो आपको 100% चूज करना है, बट मेरा पिक्चर जो है वो साइज से काफ़ी बड़ा है इसलिए मैं ऑटो ले रहा हूँ।
ऑटो पे चूज करके अप्लाई नहीं करना है आपको, ओके करना है। यहाँ ओके करेंगे तो आप देख सकते हो जो वाटरमार्क है हमारा पेज के साइज के अकॉर्डिंग सेंटर में आ गया है, ठीक है, आपको हल्का हल्का वाटरमार्क दिख जाएगा। उसके बाद अब हमें नीचे की फॉर्मेटिंग करनी है, तो नीचे की फॉर्मेटिंग के लिए वापस आएंगे हम यहाँ पे इंसर्ट शेप। देखिए हमने ये जो शेप है वही शेप हमने ऊपर लगाई है, वो सेम शेप हम नीचे लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा नीचे एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पे इसका थोड़ा सा साइज बढ़ाना पड़ेगा और इसको यहाँ पे हम एडजस्ट कर देंगे। अब जो इसका भी कलर वगैरह जो है हम सेम रखेंगे, नो आउटलाइन सेफ फील का कलर वही मरून कलर जो हमने ऊपर दिया है, ये सेम डिज़ाइन हम नीचे बना देंगे यहाँ पर। तो कैसे बनेगा वो आपको पता ही है, इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। तो देखिए ऊपर चला गया, यहाँ से इसको खिसका के नीचे लाना है ऐसे, और इस पर राइट क्लिक करके सेंड टू बैक करना है, और जो इसका कलर है फॉर्मेट में जाके आपको कलर सेव फिल का वाइट दे देना है। तो इस तरह से इसका जो कलर है वो भी आपके पास ऐसे एडजस्ट हो जाएगा, और वापस से फिर इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो ये लीजिए इसका कलर भी आ गया, और इसका जो कलर है फॉर्मेट में जाके वो आपको मरून ही रखना है, ठीक है। और इसको भी हम राइट क्लिक करके सेंड बैक कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ये कलर आ गया है नीचे, ठीक है। तो वाइट वाले को सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, इस तरह से हम तीनों को एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे एडजस्ट हो गए, अब हम इसमें डालेंगे बाकी की डिटेल जो हमें चाहिए या फिर जो हमारी बच गई हैं। तो वापस से जाके इंसर्ट में जाके हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर लेंगे ऐसे, और अब यहाँ पे हमारी जो बाकी की डिटेल है वो हम एंटर कर देंगे, जैसे ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी में डाल देता हूँ, टैब करके साइड में आएंगे और यहाँ डालेंगे वेबसाइट। ये हमारी वेबसाइट हो गई, दोनों को सेलेक्ट करके होम में जाएंगे और साइज जो है इनका वो बढ़ा देंगे। इनका साइज हमें रखना है 14, इनकी फॉन्ट भी वाइट रखेंगे, और फॉर्मेट में जाके इनका भी हम जो शेप है वो नो फिल और आउटलाइन कर देंगे, और होम में जाके इसको भी बोल्ड कर देंगे और इनको अंडरलाइन भी कर देंगे। देखिए अंडरलाइन करने के लिए एक्चुअली हमें इस सारे को अंडरलाइन नहीं करना है, हमें इस टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है। तो इसको सिलेक्ट करके अंडरलाइन की कमांड देंगे और ईमेल आईडी को सिलेक्ट करके इसको अंडरलाइन की कमांड देंगे, तो ये सब अंडरलाइन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा लेटर हेड अब एकदम रेडी है। तो ये देखिए जो हमारा लेटर हेड है वो एकदम रेडी हो गया है। तो ये सिंपल फॉर्मेट में है दोस्तों, अगर आपको एडवांस फॉर्मेट में लेटर हेड सीखना है तो वीडियो के नीचे एडवांस कमेंट करना है आपको, तो एडवांस फॉर्मेट में मैं आपको लेटर हेड बनाना सिखा दूंगा। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो जिसमें हमने सिखाया आपको कि कैसे लेटर हेड को प्रिपेयर किया जाता है एमएस वर्ड में, सारे स्टेप्स आपने देख लिए हैं। तो दोस्तों अगर स्टेप समझ में आ गए हैं तो आप भी इसी तरीके से अपने लेटर हेड को प्रिपेयर या रेडी कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो दोस्तों अब अगर आप इस वीडियो से सेटिस्फाई हैं तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अनसेटिस्फाई हैं तो नीचे कमेंट करें कि आपको क्या सीखना था और मैं क्या बता नहीं पाया हूं या फिर मैंने क्या मिस कर दिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि कमेंट ज्यादा आते हैं या फिर लाइक, ठीक है। तो टारगेट रखते हैं इस वीडियो का 1000 से लेकर 2000 लाइक तक। ऐसी वीडियो पे लाइक आते रहेंगे तो हम आपके लिए नई वीडियोस लेके आते रहेंगे हर हफ्ते। तब तक के लिए प्लीज इस वीडियो को देखते रहिए, चैनल को देखते रहिए और लाइक करते रहिए। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बी सेफ, स्टे होम एंड गुड बाय।